दोस्तों हमारे देश भारत में राजनीति का एक अलग ही महत्व है। यहाँ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों में राजनीति जोड़ दी जाती है। तो ऐसे में मैं आपको आज की इस वीडियो में भारत के 10 बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहने वाले नेताओं की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताने वाला हूँ कि कौन नेता कितना पढ़ा लिखा है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। इस लिस्ट में हमने नंबर 10 पर रखा है उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे ने मात्र ग्रेजुएशन की है सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट से। नंबर 9 पर रखा है हमने राजनाथ सिंह को। राजनाथ सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव से शुरू की थी। उसके बाद उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से MSc की फिजिक्स सब्जेक्ट से और उसके बाद लेक्चरर की जॉब करने लगे KB पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मिर्जापुर में। इस लिस्ट में नंबर 8 पर रखा है हमने योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ ने BSc की है मैथमेटिक्स से। उन्होंने अपनी पढ़ाई उत्तराखंड से ही की थी। उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से उन्होंने BSc मैथमेटिक्स की थी, जिसके बाद 1990 में वो अपना घर छोड़कर अयोध्या राम मंदिर मुद्दे से आकर उत्तर प्रदेश में जुड़ गए थे। इस लिस्ट में नंबर 7 पर रखा गया है असउद्दीन ओवैसी को। असउद्दीन ओवैसी ने BA किया है निजाम कॉलेज हैदराबाद से, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। वो कॉलेज के दिनों में बहुत ज़्यादा क्रिकेट भी खेला करते थे और वो कॉलेज की टीम में फास्ट बॉलर रहा करते थे। फिलहाल असउद्दीन ओवैसी AIMIM के प्रेसिडेंट हैं। नंबर 6 पर रखा है हमने अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने अपनी स्कूलिंग सैफई से की थी। इसके बाद उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर की डिग्री ली। हायर एजुकेशन के लिए वे ऑस्ट्रेलिया गए और सिडनी यूनिवर्सिटी से पर्यावरण में मास्टर डिग्री पूरी की। नंबर 5 पर हमने रखा है प्रियंका गांधी को। उन्होंने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा मॉडर्न स्कूल और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी नई दिल्ली से पूरी की थी। उन्होंने 2010 में साइकोलॉजी विषय से ग्रेजुएशन की और उसके बाद बौद्ध अध्ययन में MA भी किया था। इस लिस्ट में नंबर 4 पर रखा गया है राहुल गांधी को। राहुल गांधी अपनी ग्रेजुएशन शिक्षा के लिए 1989 में सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में शामिल हुए थे। हालांकि उन्होंने पहले वर्ष की परीक्षा पूरी करने के बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय चले गए। 1991 में तमिल टाइगर्स द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद राहुल गांधी सुरक्षा समस्याओं के कारण अमेरिका के फ्लोरिडा में रॉलिंस कॉलेज में चले गए। जब वह रॉलिंस कॉलेज में थे, उन्होंने अपने नाम के रूप में राहुल विंची का इस्तेमाल किया था। उनका असली नाम केवल कुछ विश्वविद्यालय के अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए जाना जाता था। बाद में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन भी किया। इस लिस्ट में नंबर 3 पर रखा है हमने अमित शाह को। अपनी स्कूलिंग पढ़ाई महसाना में पूरी करने के बाद वो अहमदाबाद आ गए थे। अहमदाबाद में BSc ग्रेजुएशन बायोकेमिस्ट्री से CU शाह साइंस कॉलेज से किया और उसके साथ साथ फादर के साथ उन्होंने बिजनेस में भी उनका साथ निभाया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमित शाह ने अहमदाबाद के एक कोऑपरेटिव बैंक में स्टॉक ब्रोकर के पद पर भी काम किया था। इस लिस्ट में नंबर 2 पर रखा गया है अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई हिसार और सोनीपत से की थी। 1985 में IIT JEE का एग्जाम दिया, जहां उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 563 पाई। उसके बाद IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। जमशेदपुर में प्राइवेट जॉब की और उसके बाद इनका सिलेक्शन सिविल सर्विस में हो गया, जहां वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर काम करने लगे। नंबर 1 पर रखा गया है नरेंद्र मोदी जी को। 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओपन लर्निंग के थ्रू पॉलिटिकल साइंस से BA की डिग्री प्राप्त की, जहां उनकी डिवीजन रही 3rd। 5 साल बाद 1983 में MA की पढ़ाई पॉलिटिकल साइंस से ही गुजरात यूनिवर्सिटी से 1st डिवीजन से पास की। तो ये थे भारत के कुछ 10 सक्रिय नेता जिनके बारे में हमने आपको बताया है। कितने पढ़े लिखे हैं, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।